आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जिला उमरिया कलेक्ट्रेट के सामने मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने अपनी 17 सूत्री लंबित मांगों को लेकर तत्काल निराकरण करने के संबंध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 6 संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं संगठन पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी मांगों के संबंध में पूर्व के समय से भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिसे आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आज फिर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन से यह मांग की जाती है कि विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ लिपिक कर्मचारियों को भी मंत्रालय के समान समय वेतनमान का लाभ दिलाया जाए, वृत्त का पदमान परिवर्तित करते हुए कार्यालय सहायक किया जाए एवं अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समय अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण सेवा समाप्त न किया जाए और जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है उन्हें सेवा में लिया जाए। टैक्सी प्रथा बंद करते हुए विभागों में वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कराते हुए समाप्त किए गए पदों की पुनः जीवित किया जाए। सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता एवं कार्य एक समान होने के कारण ग्रेड पे 2400 दिए जाए, जहां निम्नलिखित मांगे हैं जिसे तत्काल पूरा किया जाए एवं संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए हनुमान मंदिर में रामायण पाठ किया गया एवं समस्याओं के निराकरण करने के लिए सरकार को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की गई है एवं 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की गई, जहां जिले के दूर दराज से आए हुए शिकायतकर्ता एवं पक्षकार परेशान होते नजर आए एवं थक हार कर कलेक्ट्रेट परिसर पर भूखे प्यासे आराम करते हुए नजर आए। पेशे उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। वाडीवा उमरिया से हम लोगों ने पहले 17 सूत्री मांगों को लेकर पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारी मांगे आज तक सुनी नहीं है। इसके लिए आज हम लोगों ने आज फिर से धरना प्रदर्शन किया है और अगर 4 बजे हम उसका ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को। परेशान निशा वार्ड के लाने बिना उन भाई बिना हड़ताल मची है, काम नहीं हो पा रहा होगा। रवि वर्मा जिला अध्यक्ष शासकीय कर्मचारी लिपिक संघ जिला उमरिया, आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है जिसमें 6 संगठनों के जिला पदाधिकारी और उनके संबंधित सभी कर्मचारी पूरे जिले से एकत्रित हुए हैं। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम आज धरने पर हैं। इन मांगों के संदर्भ में हमने पूर्व से शासन प्रशासन को अवगत कराया है, जो अभी तक हमारी मांगों के संदर्भ में न तो कोई चर्चा की गई न ही मांगों को मानने के संबंध में कोई आश्वासन हमें प्रदेश संघ को या हमें दिया गया है, जिसके व्यतीत होकर हम एक बार पुनः आज धरना कार्यक्रम रख रहे हैं और शाम को 4 बजे माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम श्रीमती रंजना सिंह बघेल है, मैं आज यहाँ धरना प्रदर्शन में हम सब साथियों के साथ बैठे हुए हैं। लिपिक भाई यहाँ पे हमारी बहनें सभी बैठे हुए हैं हमारी 17 सूत्री मांगों को लेकर, जिससे हमारी कई मांगे हैं कई वर्षों से हम लोग दे रहे हैं, उनमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे माननीय महोदय जी से मेरा निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए और 17 सूत्री मांगों में हमारी पहली मांग तो समय वेतन मान बढ़ाया जाए, दूसरी मांग है हमारे कर्मचारियों के साथ कोई ग्रे पेट में बरकरार 4-4-24 ग्रे पेट में हमें लाया जाए, तीसरी मांग है हमारी अनुकंपा नियुक्ति में ये प्रावधान हटाया जाए कि उनके साथ 40 वर्ष की आयु हो चुकी है, अन्यथा और भी जो भी है हमें चाहिए तो हमको 40 वर्ष की उम्र से हमारी लगाए। मैं प्रमोद कुमार द्विवेदी मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रदेश संगठन मंत्री, मैं हमारा कई बार मांगे हुई हैं कि हमारा कार्यालय पर नाम सिद्ध किया जाए, चतुर्श्रेणी जो है कार्यालय सहायक के नाम से दिया जाए, हमें वर्तमान सब जगह ग्रेड पे दिया जाए, हर मांगे हमारी पूरी की जाए, यही मेरी मंशा है। और हमारे कर्मचारी संघ अगर ये मांग पूरी नहीं करती है तो हमें आंदोलन करेगी आगामी समय में।